मुल्की तारीख के बड़े और अहम फैसले करने वाले चीफ जस्टिस अलविदा। चीफ जस्टिस साकिब निसार आज अपने ओहदे से सुखदोष हो जाएंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिटायरमेंट के बाद बिलतरतीब 8 जज साहिबान को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का मौका मिलेगा। कोर्ट लखपत जेल में कैदी नंबर 4470 से आज मुलाकात का दिन। नवाज शरीफ से अहले खाना और लीगी रहनुमाओं का वफ्द आज मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की भी नवाज शरीफ से मुलाकात मतवक्के। सीएनजी फिर बंद, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एक रोज के लिए सीएनजी बंद कर दी। पीएसओ कार्गो बर वक्त न मिलने की वजह से सीएनजी की सप्लाई बंद हुई। एसएनजीपीएल के मुताबिक आइंदा लाहे अमल का ऐलान सूरत हाल को जांचने के बाद किया जाएगा। मोटरवे पर धुंध का राज, हद्दे निगाह 20 मीटर रह गई। धुंध की वजह से लाहौर से शेखपुरा मोटरवे को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की धुंध के दौरान गाड़ियों पर फोग लाइट्स और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। ब्रायलर मुर्गी को पर लग गए, ब्रायलर गोश्त की कीमत में एक रोज में 12 रुपए का इजाफा हो गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 175 से बढ़ाकर 187 रुपए कर दी गई। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में भी इजाफा, कीमत 121 से बढ़कर 129 रुपए हो गई। सीनियर वजीर की जिम्मेदारियों में इजाफा, एक और वजारत मिल गई। महकमे तरक्की और मनसूबा बंदी का भी कलम दान दे दिया गया। अब्दुल अलीम खान ने 5 महकमों का मुश्तरका इजलास बुलाया, नए टास्क सौंप दिए। सूबाई वजरा और महकमों के सेक्रेटरीज को नई हिकमत अमली बता दी गई। बोले, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, अब दिन रात काम करना होगा। माली मुश्किल के बावजूद हर शोबे में बेहतरी लाना है। हर महकमा अपनी कारकर्दगी की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय करें। गोशवारे जमा ना कराने पर शहर के 8 अराकीन असेंबली समेत 332 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, मिर्जा जावेद, मोहम्मद अमीन जुलकरनैन की रुकनियत मुअत्तल। मलिक नदीम, अब्बास बारा, मोहम्मद यासीन सोहल, मलिक गुलाम हबीब ऐवान, मलिक करामत खोखर भी शामिल। सिर्फ पंजाब असेंबली के 115 अरकान ने गोशवारे जमा ना कराए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रुकनीत की मुअत्तली की मंजूरी दे दी। काहना के इलाके में नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फैक्ट्री बस पर फायरिंग। बस ड्राइवर मुनीर 5 गोलियां लगने से जान बहक हो गया। मुलजिम फरार, पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। मॉडल टाउन के इलाके जी ब्लॉक में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। घर का मालिक रॉड से तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। थाना लियाकताबाद में पुलिस को दरख्वास्त दी मगर कार्रवाई ना हो सकी। मुतासरा घरेलू मुलाजमा की वजीर अला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने पीएचए के फंड्स पर कब्जा जमा लिया। पीएचए से रिटायर्ड मुलाजमीन पेंशन के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। फंड्स और पेंशन के इजरा के लिए डीजी पीएचए ने मेयर को मुरासला लिख दिया। ठोकर न्याज बेग, सगियां और बाबू साबू पर गेट वे बनाए जाएंगे। एलडीए और टीपा ने डिजाइन तैयार कर लिया। गेट पे सकाफती वर्षे की तर्ज पर बनाए जाएंगे। तीनों दाखिले रास्तों की तौसी और ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम भी किया जाएगा। डिजाइन की कॉपी लाहौर न्यूज पर। खताई की फरोख्त में कितनी कमाई, एफबीआर की टीम खलीफा बेकरी पर आ गई। खताई बनाने वाली बेकरी का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन का आगाज कर दिया। बेकरी इंतजामिया ने सालाना 80 से 90 लाख रुपए आमदन जाहिर की। खलीफा बेकर्स की रोजाना की सेल 15 से 20 लाख रुपए है। एफबीआर हुकाम। साबिक चेयरमैन लाहौर पार्किंग कंपनी हाफिज मियां नुमान की दरख्वास्त जमानत पर समाप्त आज होगी। हाईकोर्ट ने डीजी नैब लाहौर से जवाब तलब कर रखा है। कंपनी से किसी भी मद में 1 रुपया भी वसूल नहीं किया। करप्शन के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। अदालत जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर करे। हाफिज मियां नुमान की अदालत से इस्तदा। अजायब घर है या भूत बंगला, इंतजामिया का अनोखा कारनामा।
हैबतनाक शक्ल के मुजस्मे को अजायब घर के अहाते में खड़ा कर दिया। अजायब घर आने वाले तलबा और तालिबात में अजीब और गरीब मुजस्मे को देखकर खौफ फैलने लगा। मुजस्मा हटाने की शहरियों पर दरख्वास्त आज हाईकोर्ट में समाप्त होगी। पाक फार्मा और हेल्थ केयर एक्सपो का दूसरा रोज सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खसूसी शिरकत की। अद्वियात का खाम माल, मेडिकल मशीनरी और लेबोरेटरी आलात तैयार करने वाली 70 कंपनियों ने नुमाइश में हिस्सा लिया। वजीर सेहत का कहना है पाकिस्तान में खाम माल बनेगा तो ही अद्वियात की कीमतों में कमी आएगी। नुमाइश के शुरका ने इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ऐसे इवेंट्स के इनाकात को हौसला अफजा करार दिया। और जिंदा दिलान के शहर में मनफरिद कश्मीरी चाय चीज केक मुतारिफ। गुलबर्ग के मुकामी रेस्टोरेंट में बैरूने मुल्क से आए दो शेफ्स ने कश्मीरी चाय की मदद से चीज केक बनाया। कश्मीरी चाय चीज केक को लाहौरियों ने बेहद पसंद किया।